टेक्निकल गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियोसेट मैसेंजर वीडियो कॉल एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी पास इस एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रहा, आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे दोस्तों सेटिंग ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा एंटर पे जा सके तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ऐप्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एंटर पे जा सके तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज ऐप का, मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से सिंपली आपको जियोसेट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलर और डाटा कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एप्लीकेशन का जो डाटा रहेगा जो वायरस रहेंगे वहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप परमिशन का, ऐप परमिशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन की जितनी भी परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जियोसेट एप्लीकेशन के OTP आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके भी जियोसेट एप्लीकेशन के OTP नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस पर आप ठीक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड कर दो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।